ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से सवाल पूछने की जरूरत पड़ गई? आखिर क्या सवाल पूछा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त देश में लोकसभा चुनावों के लिए आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। आप जानते हैं कि 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, दिल्ली में भी चुनाव हो चुका है और अब 6ठे चरण के बाद अब 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। लेकिन मतदान से पहले लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। नेता एक दूसरे पर बयान देते हुए कुछ तंज कसते हैं, कुछ सवाल खड़े करते हैं और इस कड़ी में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी कुछ सवाल पूछे। तो क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, क्या सवाल पूछे हैं, आपको सीधा दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2014 में मोदी जी ने कहा कि वे देश के प्रधान सेवक हैं, 2019 में उन्होंने कहा कि वे चौकीदार हैं, अब 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि वे अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए बल्कि वे भगवान के अवतार हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। तो अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा है कि क्या आरएसएस भी मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। ये सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पूछा गया है। दरअसल लोकसभा चुनावों की कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगह पर भाषण दिए हैं, कई इंटरव्यूज दिए हैं और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया कि उन्हें भगवान ने किसी खास काम के लिए भेजा है। हालांकि एक और चीज़ का जिक्र जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पर किया, उसमें उन्होंने जिक्र किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा के उस बयान का, जिसमें संबित पात्रा ने ये कहा था कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट के आने के बाद संबित पात्रा की काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी विवाद हुआ था, यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए आलोचना की थी और जिस तरीके से संबित पात्रा ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी उस वक्त पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम सवाल खड़े किए हैं और आरएसएस से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। हालांकि जब संबित पात्रा के इस बयान पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हुई, काफ़ी इस पर आलोचना शुरू हुई, तो उसके बाद आपको बता दें कि संबित पात्रा ने इस पर सोशल मीडिया पर भी सबके सामने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे, गलती से ऐसा उनकी ज़बान से निकल गया, वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि भगवान जो हैं वो प्रधानमंत्री के भक्त हैं, बल्कि वो ये कह रहे थे कि भगवान जगन्नाथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्त हैं। इस तरह की बात जो है वो संबित पात्रा की ओर से की गई थी, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से पूछा है कि आरएसएस बताए कि क्या वो प्रधानमंत्री को भगवान का अवतार मानते हैं या फिर नहीं। हालांकि आरएसएस की ओर से अभी तक इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही आरएसएस अगर इस सवाल पर मुख्यमंत्री के रिस्पॉन्ड करती है या उनकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब देता है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।